अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ ज़ुबैर हियर। आज मैं दो पाई नेटवर्क की जो रीसेंट अपडेट्स आई हैं उनके ऊपर बात करूंगा, एक पाई नेटवर्क के क्वार्टर की और दूसरी जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है 18+ मिलियन एंगेज्ड पायनियर्स वाली। ये दो अपडेट्स हैं जो कि मैंने आप लोगों तक नहीं पहुँचाई। क्यों नहीं पहुँचा सका, इसकी वजह मैंने आप लोगों को पहले बताई थी कि मैंने एक पोस्ट की थी कि मेरी वालदा की तबीयत ख़राब थी जिस वजह से वो हॉस्पिटल एडमिट रही हैं कुछ दिन, जिस वजह से मैं ये अपडेट आप लोगों तक पहुँचा नहीं सका। उसके लिए आई रियली अपोलोजाइज टू ऑल दी सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स ऑफ माइन। लेकिन अभी मैं आप लोगों को क्वार्टर की अपडेट भी दूंगा और आप लोगों को ये जो 18 मिलियन प्लस एंगेज पायनियर्स हैं उसकी अपडेट भी दूंगा कि कितने लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया हुआ है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं 18 प्लस मिलियन एंगेज्ड पायनियर्स की अपडेट्स की, तो इस एप्लीकेशन को 18 प्लस मिलियन एंगेज्ड पायनियर्स ने ज्वाइन कर लिया हुआ है। अभी जो इसका जो रेट चल रहा है वो 0.2 से नीचे आता हुआ 0.1 और 0.05 जो भी इसका करंट रेट चल रहा है माइनिंग का, वो ये चल रहा है। इसका मेन नेट बहुत जल्द आने वाला है जब इसका, इसके लिए हमें 100 मिलियन जो मेंबर्स हैं उसका इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 100 मिलियन यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं और मेन नेट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए हमें 100 मिलियन एंगेज पायनियर्स का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि इसका जो मेन नेट है वो 2021 के एंड तक आ जाएगा। आप लोगों को इसकी लिस्टिंग, इसकी अपडेट, इसकी जो भी वैल्यू है वो आप लोगों तक को वो आप लोगों को बता दी जाएगी। फिर आप लोग इसकी वैल्यू को, आप इस करेंसी को, इस क्रिप्टो करेंसी को किसी और करेंसी में एक्सचेंज भी कर सकेंगे और प्रोडक्ट को सेल भी कर सकेंगे। अभी अगर मैं बात करूं, ये जो अपडेट है ये पाइकोर टीम की तरफ से है और 29 मई कल 7:14 की ये अपडेट है। उन्होंने क्या कहा हुआ है कि माइन एट हायर रेट वाइल यू कैन, जितनी स्पीड से आप माइनिंग कर सकते हैं आप करें, दी माइनिंग रेट मे हाल और फॉल टू ज़ीरो एट मेन नेट। मेन नेट तक जाते हुए इसकी जो माइनिंग रेट है वो ज़ीरो भी हो सकता है और हाफ भी हो सकता है, इसलिए आप जितनी माइनिंग कर सकते हैं वो कर लें। एंड व्हेन पाई रीचेज 100 मिलियन एंगेज पायनियर्स, और हो सकता है जब इसके 100 मिलियन एंगेज पायनियर्स हो जाएं इसकी जो फ्री माइनिंग जो भी दी जा रही है वो ज़ीरो हो जाए। अभी आप लोगों को पता है कि पाई नेटवर्क फ्री में माइनिंग दे रही है, फ्री में आपको कॉइन्स दे रही है, इसके लिए आपको किसी किस्म का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ रही, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। जस्ट आपने 24 घंटों के बाद आना है, इस माइनिंग बटन को प्रेस करना होता है और आपकी जो माइनिंग है वो चलती रहती है, इसके लिए आपको और कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पाई नेटवर्क की दूसरी अपडेट के ऊपर। दोस्तों, क्वार्टर टू में जो अपडेट्स आएंगी ये वाली अपडेट उस हवाले से है जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि अपडेट्स एंड क्वार्टर टू, Q2 जो लिखा हुआ है उसका मतलब है क्वार्टर टू प्लान, कि क्वार्टर टू में अपडेट का क्या प्लान है उसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा बताया कि क्वार्टर वन में क्या था और क्वार्टर टू में क्या है, क्वार्टर थ्री में क्या आएगा, क्वार्टर फोर में क्या आएगा। एक्चुअली उन्होंने एक साल को 3-4 क्वार्टर में तकसीम किया, क्वार्टर का मतलब ही 4 है, उन्होंने एक साल को 4 हिस्सों में तकसीम किया इस जो 2021 है इसको, जैसा कि, और फर्स्ट क्वार्टर में जनवरी फरवरी मार्च आएंगे, इसके अलावा अप्रैल मई जून जो दूसरे क्वार्टर में आएंगे उसमें कौन कौन सी अपडेट्स आएंगी उसके बारे में उन्होंने बताया। ये अपडेट 22 मई को आई थी जो कि मैं आज आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। और आफ्टर द सक्सेसफुल रिलीज़ ऑफ द पाई वॉलेट एंड पाई ब्राउज़र इन क्वार्टर वन, उन्होंने पहले बताया कि क्वार्टर वन में हमने पाई वॉलेट और पाई ब्राउज़र को लॉन्च किया था। द कोर टीम हैज़ बीन फोकसिंग ऑन बिल्डिंग द पाई यूटिलिटीज़ प्लेटफॉर्म इन क्वार्टर टू। क्वार्टर टू में जो पाई कोर टीम है वो पाई यूटिलिटीज़ प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने के ऊपर काम कर रही है, उसके ऊपर उनका फोकस है, जिसमें वो उन्होंने बताया कि एक थर्ड पार्टी आएगी, वो थर्ड पार्टी फिर इंटरेक्ट करेगी, इंटीग्रेट करेगी पाई टेस्ट नेट के साथ और इंटीग्रेटिंग द प्लेटफॉर्म इनटू द पाई ब्राउज़र, जो कि इंटीग्रेटिंग करेगी पाई ब्राउज़र के साथ। ए न्यू डेवलपर पोर्टल एंड द स्टैंडर्डाइज इन्वायरमेंट टू बिल्ड एंड डिप्लॉय इकोनोमिस्ट एप्स, मतलब वो एक इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं जो कि स्टैंडर्डाइज्ड होगा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा और डिप्लॉय द इकोसिस्टम एप्स, इकोसिस्टम एप्स को डिप्लॉय करेगा। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो कि आप लोगों तक मैंने नहीं थी पहुंचाई। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अपोलोजाइज तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है कि वीडियो लेट मैंने क्यों की थी। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली नई अपडेट के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।